उत्तर प्रदेश मौसम समाचार में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें LHTV इंडिया को, और आपके जिले की मौसम की जानकारी चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आज पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल। मौसम समाचार में आपको बता दें कि मानसून सीजन गुजरने के बाद उत्तर प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। वातावरण में नमी कम होती जा रही है, ऐसे में तापमान और मौसम में भी परिवर्तन आ रहा है। कभी धूप और कभी उमस तो कभी गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस दौरान मौसम शुष्क रहने वाला है। वहीं कल मौसम साफ रहने का भी अनुमान है। वहीं अगले 24 घंटे तक कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश लगातार देखने को मिलेगी। यूपी मौसम विभाग के मुताबिक आज कई जिलों में हल्की कई मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। आज गरज चमक के साथ गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया समेत कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकतर जिलों में मौसम साफ रहेगा। अभी एक दो दिनों तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा। अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होता नहीं नजर आ रहा है, लेकिन न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट होगी। वहीं अगले 24 घंटे के बाद फिर मौसम बदलेगा और गोरखपुर समेत कई जिलों में बादल छाएंगे। हल्की कई मध्यम बारिश के साथ गुलाबी ठंड का भी एहसास होना शुरू हो जाएगा। इसी बीच चलिए जानते कि आज कल और अगले 24 घंटे किन किन जिलों में हल्की और मध्यम बारिश होने के आसार हैं। यूपी मौसम विभाग की माने तो आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। पूर्वी हिस्से में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। दोनों ही हिस्सों में कहीं भी बादल गरजने और बिजली गिरने के आसार नहीं है। वहीं अगर बात करें कल की तो प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश होने के आसार नहीं है। इसी बीच मौसम को लेकर यह भी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में सितंबर और अक्टूबर का महीना मौसम विभाग को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। पिछले महीने में बारिश के साथ ही अधिकतम तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा। वहीं अब अक्टूबर में गुलाबी ठंड की दस्तक के साथ ही हल्की कई मध्यम बारिश लगातार कई जिलों में रुक रुक कर हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने आज यूपी के कई जिलों में अब फिर कई हल्की कई मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश का कहना है कि अभी 1 से 2 दिनों तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा। अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं नजर आ रही है, लेकिन न्यूनतम तापमान भी घटेगा। साथ ही बताया है कि अगले 24 से 36 घंटों के बाद मौसम बदलने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया समेत उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जिनमें लगातार हल्की कई मध्यम बारिश 2-3 दिनों तक देखने को मिलेगी। इसी बीच आपको बता दें कि मौसम को लेकर एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कई चक्रवाती परिसंचरण स्थिति का यूपी पर नहीं पड़ रहा असर। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। वहीं गंगी पश्चिम बंगाल के पूर्वी हिस्सों और उससे सटे बांग्लादेश पर निम्न दबाव का क्षेत्र अब बांग्लादेश और पड़ोस के मध्य भागों पर स्थित है, और संबंधित चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है, जो अब उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताज़ातरीन मौसम की खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल LHTV इंडिया को सब्सक्राइब करें।